उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने स्थायी राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का शुभारंभ। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कैंप में पहुंचकर विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। उद्योग मंत्री ने बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कैंप का आयोजन किया है। कैंपों का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन को 10 मुख्य योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसको लेकर सरपंचों ने शिविरों से दूरी बनाए रखी। इस दौरान SDM राहुल सैनी, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ये महंगाई राहत जो कैंप लगाए हैं, इसमें जो बजट पेश किया था, बजट राहत और बढ़त, उसको साकार करने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति, मान लिए कि अभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति सिर्फ एक योजना से जुड़ा हुआ है और उसको पता नहीं है कि मैं दूसरी योजना के लायक भी हूँ, मेरी योग्यता है, मैं उसका भी लाभ ले सकता हूँ, तो वो व्यक्ति अपनी जो 10 योजना है उनमें से सारी योजनाओं से जुड़ सकता है। चाहे 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री तो उस योजना का लाभ उठाए, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए उस योजना से जुड़े उसका लाभ मिलना चाहिए, चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री हो सकता है उस योजना से जुड़े, किसान मित्र योजना तो 2000 यूनिट तक बिजली फ्री, कामधेनु योजना से जुड़े, वृद्धावस्था पेंशन से, पालनहार पेंशन से, तो ये सारी चीज़ों का लाभ हर व्यक्ति को राजस्थान के दूर गांव ढाणी तक पहुंचे, इसलिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं।